कोरोना वायरस के चलते हुए हम सब ने अपनी केयर करना तो स्टार्ट कर दिया, जैसे हमने हैंड सैनिटाइज करना स्टार्ट कर दिया, हम बार बार अपना हैंड्स वॉश कर रहे हैं, हम मास्क पहनने लग गए हैं, हम कीप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। बट आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको बैक्टीरिया दे रहा है आप उसको क्लीन रख रहे हो? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके स्मार्टफोन की, जो मेजरली बैक्टीरिया से कनेक्टेड है, जो आपको बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वजह से हो सकता है, और इसको क्लीन रखना आज के इस पैनेडेमिक में बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप आपके मोबाइल को कैसे क्लीन कर सकते हो, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू कीप योर मोबाइल क्लीन। एंड इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज मैं आपको आज के इस वीडियो में वो इम्पॉर्टेंट बोनस टिप देने वाली हूँ जहाँ पर आप अपने मोबाइल को, एंड्रॉयड फ़ोन को आप सेफ रख सकते हो फ्रॉम द साइबर अटैक। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अप्रॉक्सीमेट एक इंसान 2000 प्लस टाइम अपने मोबाइल को टच करता है दिन में। आप टच स्क्रीन हो, आप बार बार टच कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, आप जो म्यूज़िक सुन रहे हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप पूरे दिन में करते हो, तो ऑन एन एवरेज आप 2000 टाइम बैक्टीरिया से कनेक्टेड रहते हो। तो इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप आपका मोबाइल रूटीन बेसिस पे क्लीन करना ज़रूरी है। इन माई ओपिनियन अगर वंस इन अ वीक आपको आपका मोबाइल है जो क्लीन करना चाहिए। आपको जो है आपका फ़ोन माइक्रोफाइबर क्लोथ, ऐसे कोई नॉर्मल टिश्यू पेपर या पेपर से नहीं करना है, बिकॉज उससे आपका जो मोबाइल है उस पर स्क्रैचेस पड़ने के बहुत सारे चांसेस है। तो आपको माइक्रोफाइबर क्लोथ यूज़ करना है, और उससे आपको इजीली वार्म वाटर भी ले सकते हो। बट उसके पहले आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो कोई भी पोर्ट से कनेक्टेड ना हो, चार्जिंग के लिए आपने ना रखा हो। उसके बाद सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपको आपका मोबाइल स्विच ऑफ करना है। यस, आपको स्विच ऑन में आपका मोबाइल को क्लीनिंग नहीं करना है, आपको मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है, और उसके सारे सरफेस को और एंड टू एंड कॉर्नर्स को आपको क्लीन करना है। तो ये आप माइक्रोफाइबर क्लोथ से कर सकते हो। मैं आपको लिंक में माइक्रोफाइबर क्लोथ जो अमेज़ॉन में इजीली अवेलेबल है उसकी डिटेल्स दे दूंगी। सेकेंड मटेरियल जो आपको यूज़ करना है ये वो LCD स्क्रीनिंग किट। इसको मैंने लैपटॉप यूज़ करने के लिए भी रेकमेंड किया है, तो आप आपका मोबाइल और लैपटॉप दोनों में ये यूज़ कर सकते हो। ये LCD स्क्रीन क्लीनिंग किट है जिसको आप स्प्रे पे थोड़ा सा आपको माइक्रोफाइबर क्लोथ पे लेना है और जेंटली उसको वाइप करना है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे इसको वाइप कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसको एक या दो बार ही आपको स्प्रेड करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये जो माइक्रोफाइबर क्लोथ है इससे आप जेंटली इसको ईजिली आप इस तरह से वाइप कर दीजिए, जिससे आपका पूरा ये जो मोबाइल है इसका स्क्रीन भी क्लीन हो जाता है, इसके एजेस भी आपको इस तरह से सॉफ्टली आपको बस क्लीन करना है। सेम इसके बैक कवर पर, अगर आपके पास इसका बैक कवर अवेलेबल है तो आप उसको भी इसी तरह से आप क्लीन कर सकते हो। ये रूटीन आप फॉलो कीजिए आपके मोबाइल को क्लीन करने के लिए। आपका फ़ोन देखिए, आफ्टर क्लीनिंग इसकी शाइनिंग भी दिख रही है, क्लीन भी दिख रहा है, और आप बैक्टीरिया से भी दूर रह सकते हो। तो ये था आपको आपका लैपटॉप क्लीन करने का तरीका। साथ ही मैं, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको बोनस टिप बताऊंगी। तो बोनस टिप ये है, आप अगर एंड्रॉयड यूज़र है या कोई भी, आप अगर iOS, आप एप्पल फ़ोन यूज़र भी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको अगर जो भी SMS पे, ईमेल पे आपको काफ़ी सारे मार्केटिंग मैसेजेस आते हैं, ईमेल आते हैं, जहाँ पे वो अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको लिंक दे देते हैं, तो हनियन टेक की आपको ये एडवाइस है कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो उसकी जेन्युइननेस तभी होगी अगर आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हो। तो आपको कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, अगर वो लिंक फ्रॉड होगी तो आपका जो डेटा है आपके मोबाइल से रिलेटेड वायरल हो सकता है। अगर आप कोई अननोन लिंक से कोई भी इंस्टॉल करते हो एप्लीकेशन, से हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, तो आपको उस लिंक पे जाके कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना नहीं है। आपको अगर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो वो गूगल प्ले स्टोर से करना है, बिकॉज गूगल प्ले स्टोर इसकी जेन्युइननेस चेक करके, वेरीफाई करके, तो ही उसको ऐप को अलाउड करता है। तो ये थी आज की मेरी बोनस टिप, और साथ ही मैंने आपको लिंक आई बटन में दे दिया है, आप आपका लैपटॉप कैसे क्लीन कर सकते हो। सेम प्रोसीजर है, बट मैंने पूरा लैपटॉप क्लीन करके बताया, तो आप आई बटन में जाके मेरा ये वीडियो हाउ टू क्लीन लैपटॉप वो भी देख सकते हो। और प्लीज़ आप आपका मोबाइल क्लीन करते रहिए, रूटीन बेसिस पे क्लीन करते रहिए, जिससे आप कोरोना वायरस के शिकार ना हो।
आई होप आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको भी साइबर अटैक के बारे में या जो भी सीखना है एक्सेल के बारे में, उन्हें उनके साथ मेरा जो चैनल है वो प्लीज़ शेयर कीजिए। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। प्लीज़ मास्क पहनिए, अपना ध्यान रखिए, आपके डिवाइसेस का ध्यान रखिए, एंड स्प्रेड दी हैप्पीनेस।